हमने दिव्य पाठ के दूसरे हिस्से में देखा कि किस तरह से आलोक को अलग अलग कुछ करने के लिए हुआन चेंग कहता है। अब हम दिव्य पाठ का जो तीसरा हिस्सा है उसकी जानिब आगे बढ़ते हैं। आलोक ने देखा कि ज्यादातर कमेटी के मेंबरान जसामत से भारी भरकम थे। उसने कहा, काम बताइए। किसी भी वसाइल का इस्तेमाल ना करते हुए इस गालीचे के लाल हिस्से को बगैर छुए से मुझे लाकर दो। आलोक ने देखा कि वो गालीचा ऊपर से लाल था, लेकिन उसे याद आया लाकर फैलाने से पहले उसकी पुष्ट काली थी। उसने फिकरमंदी से अपनी उंगलियां गालीचे के नीचे बढ़ाई और उसे लपेटते हुए दरमियानी हिस्से तक आया और सेब उठाकर चेंग को दिया। चेंग ने दिगर मेंबरान की तरफ देखा, उन्होंने गर्दन हिलाकर ताईद की। चेंग ने कहा, अब दूसरे काम के वसाइल लाइए। एक हम जमात ने एक कोट और एक जैकेट लाया। आलोक के जिस्म पर जैकेट और कोट पहना दिया गया। इसके दुबले पतले जिस्म पर दोनों कपड़े ढीले ढाले दिखाई दे रहे थे। चेंग ने कहा, ये दूसरा काम ऐसा है, जिस्म का कोट उतारे बगैर जैकेट निकाल कर दिखाओ। आलोक ने देखा कि कोट और जैकेट दोनों को बटन नहीं थे। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट झलकी। उसने कहा, मैं ये काम करके दिखाऊंगा, लेकिन इसके बाद कोट और जैकेट इनकी इस्तरी करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। उसने कोट के दोनों आस्तीन जैकेट के हाथों के सुराख में डाल दिया। उसके बाद उसने क्या किया वो देखने वाले को भी सही ढंग से बताते नहीं आया, लेकिन एक लम्हे में ही जैकेट उसके हाथ में था और कोट जिस्म पर दोनों ही पूरे काम उसने मुकम्मल कर लिए। चेंग के साथी बेचैन हो गए थे। चेंग अब तीसरे काम की तरफ पलटा। अब तीसरा काम करना है। उसने एक पोस्ट कार्ड आलोक को दिया और कहा, उस टेबल पर कैंची है, उस कैंची से उस पोस्ट कार्ड पर ऐसे सुराख बनाकर उसमें से तुझे खड़े होकर गुजरते आगे जाना है। ये काम आज तक किसी तालिब इल्म ने नहीं किया। इतने से पोस्ट कार्ड में से 5 फीट का लड़का कैसे गुजरेगा? लेकिन आलोक जरा सा भी घबराया नहीं। उसने वो बारीक कैंची ली और पोस्ट कार्ड को इस खूबी से काटा के उसका रेशा जैसा नाजुक लेकिन जसामत से काफी बड़ा चूड़ी में तब्दील कर दिया। आलोक उस चूड़ी से आसानी से गुजर गया। इस वक्त कमेटी के मेंबरान ने रजाकाराना तौर पर इस अंदाज में तालियां बजाई। ऐसे तालियां कभी नहीं बजी थी। आलोक इस सख्त आजमाइश से बाहर निकलने वाला पहला तालिब इल्म था।